हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ ओबी-वन केनोबी के एपिसोड 5 को। और अगर आप सभी ने इसके पहले एपिसोड्स के रिकैप नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। साथ ही अगर आप सभी को मूवीज रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने हो या फिर आपकी मनचाही मूवी का रिकैप ना हो, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, जिस आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के टॉप के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीरीज की शुरुआत हमें ओबी-वन से दिखाई जाती है, जो कि एनाकिन को ट्रेन कर रहा होता है, जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है डार्क वेडर की तरफ, जिनसे मिलने के लिए रीवा पहुंची है और यही बताती है कि उनका ट्रैकर काम कर गया है और उन्हें ये पता चला है कि ओबी-वन जुबिन प्लैनेट पर है। और उसकी वो बात सुन डार्क वेडर काफी खुश हो जाता है, साथ ही वो उसे ग्रैंड इंक्विजिटर बना देता है और सभी लोगों को उस प्लैनेट पर जाने के लिए तैयारियां करने के लिए कहता है, जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है ओबी-वन की तरफ, जो ट्राला के एक साथी रोकन से बात करने के लिए पहुंचा है, जो उसे यही बताता है कि हमें यहाँ पर मौजूदा शख्स को जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकालना होगा। साथ ही वहाँ पर मुलाकात ओबी-वन की हाजी से भी होती है, जो उसे यही बताता है कि आपको बचाने के चक्कर में मैंने खुद को वांटेड लिस्ट में डाल दिया, जिस कारण से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और इसीलिए मैं यहाँ आ पहुँचा। और जब सभी लोग वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि रीवा लोला की मदद से उस छत को ही बंद कर देती है, जहाँ से वो लोग अपनी शिप को ले जाने वाले थे। और उसे देख ओबी-वन को ये समझ आता है कि रीवा और बाकी सभी ने उन लोगों को घेर लिया है, जिस कारण से ओबी-वन उन सभी को होल्ड करने के लिए कहता है तब तक जब तक वो डोर ओपन नहीं हो जाता। और जैसे ही थर्ड सिस्टर अपनी आर्मी लेकर वहाँ पर पहुँचेगी, तो वो सभी उस सिचुएशन से निकल जाएगी। लेकिन उसी दौरान हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओबी-वन एनाकिन को ये वार्न कर रहा है कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, साथ ही जेडाई सिर्फ डिफेंड ही करते हैं ना कि अटैक। लेकिन हम देख सकते हैं कि एनाकिन अपने मास्टर ओबी-वन की बातों पर ध्यान नहीं देता। और उसी के साथ फिर से आए प्रेजेंट में, तो हम देख सकते हैं कि थर्ड सिस्टर उस प्लेनेट पर पहुंच चुकी है और उनके डोर को तोड़ना शुरू करती है, और वो सारी चीजें देख वहाँ पर मौजूदा सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। लेकिन लिया उस सिचुएशन से निकल उस वायरिंग को ठीक करने के लिए पहुंचती है। साथ ही ओबी-वन को लिया के डैड सेनेटर का एक मैसेज मिलता है, जो उसे यही बताते हैं कि अगर डार्क वेडर के हाथ लिया लग गई, तो उसे ल्यूक को ढूंढने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, जिस कारण से उसने ये डिसाइड किया है कि अगर उसे ओबी-वन का रिप्लाई नहीं आया, तो वो टैटून प्लेनेट पर जाकर ओवन की हेल्प करेगा और साथ ही ल्यूक को सेफ रखेगा। और उससे बातचीत खत्म होने के बाद हम देख सकते हैं कि उसके पास टाला आ पहुंचती है, जो उसे यही बताती है कि किस तरह उसने पास में काफी बुरे काम किए हैं। साथ ही उसे ये भी कहती है कि अगर हमें सभी लोगों को बचाने के लिए कुछ टाइम चाहिए, जिसके लिए हमें थर्ड सिस्टर की आर्मी से फाइट करना होगा, जिसके लिए ओबी-वन और काफी सारे लोग रेडी हो जाते हैं। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि ओबी-वन रीवा से ये सवाल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि डार्क वेडर ही एनाकिन स्काईवॉकर है, जबकि उन सारी बातों को काफी सीक्रेटली छुपा कर रखा गया था। लेकिन ओबी-वन को ये याद आता है कि मे बी उस रात रीवा ऑर्डर 66 में मौजूद होगी, जिस दौरान एनाकिन ने सभी बच्चों को मारा था, जिस कारण से हम देख सकते हैं कि रीवा को फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसे ये कंफर्म हो जाता है कि वो सच में एनाकिन था, ना कि ओबी-वन। और उन सारी बातों को याद करने के बाद वो ओबी-वन को यही कहती है कि उसे लगा था कि एनाकिन हम सभी को बचाने के लिए आया था, और उसने उस समय सभी लोगों को बचाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वो काफी छोटी थी, जिस कारण से उसने उन लोगों को बचा नहीं पाई। और उसकी वो सारी बात सुन ओबी-वन उसे यही कहता है कि तुम इतने सालों से मुझे नहीं बल्कि एनाकिन को ढूंढ रही थी, तो उसे खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसकी वो बात सुन रीवा उसे मना कर देती है और उस डोर को लाइट सेबर की मदद से कट कर देती है। और उस सीन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो लोग फोकट की ही उस दरवाजे पर गोलियों की बारिश कर रहे थे, जबकि बड़े ही आसानी से थर्ड सिस्टर उस दरवाजे को लाइट सेबर की मदद से कट कर देती, जिसके बाद हम उनके और ओबी-वन की टीम के बीच फाइट देखते हैं, जिस फाइट को देख टाला ये समझ जाती है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, जिस कारण से वो खुद को सेक्रीफाइस करने का ठान लेती है और वहाँ पर मौजूदा सभी ट्रूप्स को बम की मदद से उड़ा देती है, ताकि सभी लोगों को थोड़ा और टाइम मिल
मिल जाए और हम देख सकते हैं कि उस कारण से ओबी वान काफी टूट जाता है। साथ ही फिर से हम फ्लैशबैक देख सकते हैं जिस फ्लैशबैक में एनाकिन ओबी वान को यही कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। और फिर से आए प्रेजेंट में तो हम देख सकते हैं कि ओबी वान ये डिसाइड करता है कि वो वेडार के पास जाकर खुद को सरेंडर कर लेगा, जिस कारण से रोकन उसे रोकता है और यही कहता है कि इस कारण से ताला का सेक्रीफाइस वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी नहीं सुनते हुए ओबी वान अपना लाइटसेबर ब्लास्टर और कम्युनिकेशन डिवाइस हाजा को देकर वहाँ से चले जाता है। साथ ही वो उसे लिया का ध्यान रखने के लिए भी कहता है और वहाँ से निकल सीधा रिवा को सरेंडर कर देता है, जिसके पास जाकर वो उसे यही कहता है कि वो एनाकिन से बदला लेने में उसकी मदद के लिए आया है, जिसकी बात सुन रिवा उसे सिचुएशन से वापस उसी दरवाजे के दूसरी तरफ भेज देती है। जिस दौरान हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एनाकिन ओबी वान को यही कह रहा होता है कि आप हार चुके हो क्योंकि आपकी लाइट सेबर अब आपके पास नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ओबी वान उसे यही कहता है कि तुम्हारी जीत ही एक दिन तुम्हें हार दिलवाएगी। और उस बात को सुन एनाकिन उस सिचुएशन से चला जाता है। और फिर से आए प्रेजेंट में तो हम देख सकते हैं कि डार्क वेडर उस सिचुएशन में पहुंच चुका है और उस जोर को ब्लास्ट कर वो सीधा ओबी वान के पास पहुंचता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि लिया ने लोला में से वो ट्रैकर निकाल दिया है और साथ ही उस शिप को टेक ऑफ करने के लिए वो दरवाजा भी खोल दिया है, जिस कारण से सभी लोग जब उस शिप में बैठ कर निकल रहे होते हैं तो डार्क वेडर उस सिचुएशन में पहुंच कर अपनी दिव्य शक्ति की मदद से उस शिप को रोक लेता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उस शिप में कोई भी नहीं होता और पीछे खड़ी शिप की मदद से ओबी वान और बाकी सभी उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। साथ ही उसी बीच हमें फिर से एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिस सिचुएशन में ओबी वान ने वापस एनाकिन से फाइट कर उसकी लाइट सेबर ले ली है, उसे यही बताते हुए कि तुम एक अच्छे वॉरियर हो लेकिन तुम्हें ये प्रूफ करना होगा। और जब ये सारी बातें डार्क वेडर याद कर रहा होता है तो उसी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए वहाँ पर रिवा पहुँच के उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि डार्क वेडर उसकी जगह से हिले बिना ही अपनी दिव्य शक्ति से बड़े ही आसानी से रिवा को डिफीट करता है। साथ ही वो उसके हाथ से उसकी लाइट सेबर लेकर उसके दो टुकड़े करता है और एक उसे लड़ने के लिए देता है। लेकिन रिवा वो लड़ाई जीत नहीं पाती और हम देख सकते हैं कि डार्क वेडर उसकी लाइट सेबर की मदद से उसे जख्मी कर देता है। और साथ ही ग्रैंड इंक्विजिटर आकर उसे यही बताता है कि उन लोगों को पहले से ही पता था कि रिवा और कोई नहीं बल्कि उसी रात वाली वो लड़की है जो यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आई हुई है। और वो सभी उसे ऐसा ही मरता छोड़ उस सिचुएशन से चले जाते हैं। लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि रिवा को उस प्लैनेट पर कुछ मिला है जो कि और कुछ नहीं बल्कि ओबी वान का वही कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसके अंदर उसी सेंटर का किसी तरह का मैसेज आया हुआ है। और ओबी वान को ऐसा फील भी हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। और साथ ही ये एपिसोड हमें ल्यूक को दिखाता हुआ खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।